जश्न आजादी है। अच्छा जश्न आजादी, हाँ तुम्हें नहीं पता? मुझे वाकई नहीं पता। तो वही यार जश्न आजादी है, सारी दुनिया नाच रही है कूद रही है, तुमको पता ही नहीं। जश्न आजादी में क्या होता है? क्या और निकलते हैं दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं बाइक पर, पता तो है तुम्हें। ये करता है पाकिस्तान आजाद हुआ था, जो एक तहरीक चली थी, वो उस तहरीक नहीं, ये वाली तहरीक नहीं भाई, सल्लू भाई एक तो तुमने पार्टी का सत्यानाश मार दिया, अब थोड़ी सी तो करने दो ना, यही बैठ के मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है। अरे यार बता तो दिया करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार, और हम फनकार वाले आज आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने वाले हैं जो 14 अगस्त का जश्न तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब इस लेकिन के पीछे कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं, उन तमाम बातों को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो दोस्तों अब फाइनली आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाते हैं। मैं अभी जैसे कि आपको मालूम है 13 अगस्त की रात को क्या सूरत हाल होती है हमारी कराची की सड़कों पर, तो एक ऐसे किरदार आज मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों की मुलाकात भी करवाई जाए। मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। और बिल्कुल ठीक। आप बताओ भाईजान, आप तो डांस में इतना मसरूफ थे, हमने आपको सलाम किया, आप जवाब ही नहीं दे रहे। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइए कि आज दिन क्या है, तारीख क्या है आज की? वो वही तारीख हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की बर्थडे याद रहती है। जो आप बैज और ये आपने जो परचम आपने सर पर लग, तो आप एकदम हैंडसम रहे। ये बताइए कि ये जो सब कुछ आपने किया है ये किसी खास मकसद के लिए किया है? आज कोई खास दिन है? ओ भाई जश्न आजादी है। अच्छा जश्न आजादी, हाँ तुम्हें नहीं पता? अच्छा मुझे वाकई नहीं पता। अब वही यार जश्न आजादी है, सारी दुनिया नाच रही है कूद रही है, तुमको पता ही नहीं है। जश्न आजादी में आखिर होता क्या है? जश्न आजादी में क्या होता है? क्या और निकलते हैं दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं बाइक पर, पता तो है तुम्हें। ये करता है ये, आप बड़ा खौफनाक, आप जरा इसको उठा के यहाँ साइड पर रख। मजा आ रही है यार, मजा थोड़ा एंजॉय करने को। आपको मजा आ रही है, मेरे कानों का कबाड़ा हो रही है। अबे भाई कानों का कभी तो बर्दाश्त कर लो यार, एक दिन की तो मस्ती है। ये 14 अगस्त के दिन में जश्न के अलावा आखिर होता क्या है यार? ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। नाम क्या रख लिया तुमने अपना? मेरा नाम काशिफ है। तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं काशिफ भाई। आपने बातों बातों में मुझे भुला दिया, मैं आपका नाम भी पूछ रहा हूँ। चौदह अगस्त की जो है वो रट लगा रखी है मेरे, तो नाम तो पूछो। अरे क्या नाम है आपका मुझे बताइए। सल्लू। सलमान भाई दी ग्रेट जो है ना, वो अपन जो है ना उसका फैन है सल्लू। अच्छा इसका मतलब है आप उनके फैन हैं, तो आप उनको फॉलो भी करते होंगे। ये जो स्टाइल है ये सल्लू भाई का स्टाइल तो नहीं? ये सल्लू भाई का स्टाइल है एकदम। अच्छा ये सल्लू भाई बड़े खतरनाक आदमी मालूम होते हैं। 14 अगस्त के दिन में खास बात क्या है? ये जश्न अगर मनाया जाता है तो ये क्यों मनाया जाता है यार? ये तो मेरे को पता नहीं कि ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है पाकिस्तान बना था शायद मेरे ख्याल से। पाकिस्तान बना था मेरे ख्याल से, कुछ लोग कहते हैं 15 को बना 17 को बना, मेरे को नहीं पता। पार्टी जो है ना, अपन पार्टी जो है ना वो इसी तारीख को करता है, रात को 13 के बाद, रात को 12 बजे के बाद जो है ना वो पार्टी एकदम। पाकिस्तान आजाद हुआ था, जो एक तहरीक चली थी, वो उस तहरीक नहीं, ये वाली तहरीक नहीं भाई, ये वाली तहरीक आप बाहर छोड़ के आइए, आप यहाँ आके तहरीक चला रहे हैं। सल्लू भाई एक तो तुमने पार्टी का सत्यानाश मार दिया, अब थोड़ी सी तो करने दो ना, यही बैठ के मैं। वॉट इज योर एजुकेशन? यस थैंक यू। ये किसी एजुकेशन का नाम होता है? ग्रेट। ये किसी डिग्री का नाम है क्या? ग्रेट। इसका मतलब है कि मुझे उर्दू में ही आपसे बात करनी है। आपकी तालीम क्या है? हाँ तालीम, अच्छा सवाल है। तालीम अच्छा, स्कूल में गया था। अच्छा स्कूल में गया था, मेरे कज़न के साथ स्कूल जाता था। मैट्रिक अपन ने किया छपाई करके। अच्छा झूठ नहीं बोलेगा भाई, मैं एक तो मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है अपन। अच्छा। एकदम टिका के बोलता है, सच बोलता है। अच्छा छपाई करके अपन ने मैट्रिक किया, टेबल के नीचे गाइड रख के ना, और मैं बोल रहा कायदे आजम के 14 नुकात लिखो। हाँ। सवाल आ जाते हैं जी, एक तो ऐसे अजीब अजीब सवाल होते हैं ना जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। अच्छा। कोई सर पैर नहीं बन रहा, सवाल आ रहा है 14 नुकात लिखो। अभी 14 नुकात लिखने से क्या हो जाएगा? हाँ। कायदे आजम वापस आ जाएंगे। 14 नुकात अपन ने छाप के लिख दिए सारे। मतलब इसका मतलब है 14 नुकात लिखने से ये फायदा तो नहीं हो सकता कि दोबारा एक पाकिस्तान नया आजाद कर लिया जाए? ये तो पहले जो है वो, अब छोड़ो यार, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, बिला वजह को सच निकल जाएगा, मुझसे काम आगे बंद हो जाएगा सब। लेकिन आप एक बात बताओ, आप जैसे लोग कभी सच्ची बात भी करते हैं क्या? करते तो है, पता नहीं सच्ची होती है झूठी होती है, करते हैं। और ये करते हैं
बस तो फिर मैं तो यही सब पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है आप जैसे लोग जो है कभी ये वाली जिंदगी में कभी दाखिल ही नहीं होते जिसे असल जिंदगी कहा जाता है। कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे सवाल सुन के तुम जो है ना बिल्कुल वो मसकूत भाई वाले सवाल कर रहे हो। मसकूत भाई मेरे को हमारे स्कूल में जो है ना वो उर्दू पढ़ाते थे, मसकूत भाई पूरा नाम मैं उनको बताऊँ अनवर मसकूत। अच्छा नाम सही ले रहे हो, मेरी उर्दू बहुत जो है ना वो नहीं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अनवर मसकूत उन्हें कहते हैं अनवर मकसूद। हाँ वही 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 तू तो पढ़ा लिखा आदमी, शक्ल से भी लग रहा है बातों से भी लग रहा है, बिल्कुल सही तूने नाम लिया अनवर मसकूत। मकसूद आप मेरी जुबान भी खराब है, खैर बहरहाल आगे बोलिए। मसकूत चलो ठीक है जो भी है समझ में आ गया ना काफी। जी जी हाँ तो वो वैसे सवाल कर रहा है तू कभी कभी। आप क्या काम करते हैं ये बताइए। नहीं करता हूँ ये तो करते ही है, इसके अलावा जीवे पाकिस्तान इसके अलावा भी क्या करते हैं इसके अलावा खाती पढ़ाई तो मैंने कहा मैट्रिक तक जो है वो 10वीं जमात मैंने की। अच्छा। गाइड रख के पास की, उसके बाद सख्ती हो गई फिर। अच्छा तो हम फेल हो गए फिर हम उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। लाना मेरे पढ़ने में क्या रखा जो आज आप अपने दोस्तों के साथ आप सड़क पे जो आप हल्ला गुल्ला कर रहे हैं ये मशवरा आपको किसी ने दिया था या आप खुद ही चल पड़े? भाई हर साल का प्लान है अपना। अच्छा हर साल 13 अगस्त की रात को हर साल 13 अगस्त को रात 12 बजे अपन का जो है ना ये पार्टी चालू, मतलब अपना प्लान है फुल सीन ऑन रहता है, फुल सीन एकदम चकाचक ऑन रहता है। बाइक का साइलेंसर निकाला, बाइक पे बैठे तीन तीन की टोलियों में सी व्यू। अच्छा ओ पार्टी ठीक है। अच्छा तो पान वान का ये जो शौक है ये आपके बचपन का शौक है? यार देखो पान पे तुम्हारी बातों में जो है ना वो पान नहीं है, ये पान नहीं अपन गुटखा खाता है, पान बच्चे खाते हैं। मैं तो वही समझ रहा था ना इतने देर से आप पान खा रहे हैं। यार पान बच्चे खाते हैं, मैं तो गुटखा खाता हूँ, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बातों में जो है ना भाई जो अनवर मसकूत टाइप के सवाल पूछ रहा हूँ गुटखा भी निपट गया हमारा। और आप जैसे लोगों ने आज की रात इतना बवाल मचाया हुआ होता है कराची शहर की सड़कों में, ये आप मेहरबानी करके इसको यहाँ रख दीजिए। मैं एक दफा बजा लूं? बजाइए। तो छड़े भाई छड़े पार्टी करते हैं फुल नाइट जाके सो जाते, छड़े में ही खुश है। ओ बेहतरीन, माँ बाबा आके सो जाते हैं, अपनी बच्ची सेट है, गर्लफ्रेंड है अपनी, ओ बस बेहतरीन। अच्छा आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान में? कुछ करना बाकी रह गया पाकिस्तान के लिए? आप क्या करना चाहते हैं, जिन्होंने जो कुछ किया वो तो उनको छोड़ दें, आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान? मैं तो यही करूंगा भाई सारी उम्र जो भी कर रहा हूँ, पार्टी करेगा आपका भाई, और पाकिस्तान के लिए क्या करूँ मैं, यही करूंगा पार्टी सेलिब्रेट। हम तो तरक्की के लिए कोई काम करेंगे, कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन, पाकिस्तान का नाम रोशन हो, तरक्की सिर्फ दुआ से हो सकती है भाई, दुआ कर सकता हूँ। आप भी हाथ उठाओ मसकूत भाई, दुआ दुआ के लिए हाथ उठाओ, दुआ करें कि अल्लाह ताला ये खंबा सीधा करा दे। आपको ये बाजा बजाते हुए जो साइलेंसर निकाल के भर भर करके जो मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, आपको एक लम्हे भी ये एहसास नहीं होता कि ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस घर में हो सकता है कोई बेचारा मरीज आराम कर रहा हो, उसका हम आराम खराब कर रहे हैं, कि आपको ये महसूस नहीं होता? आपको सिर्फ अपनी मस्ती की रहती नहीं, रोने के लिए नहीं, मैंने सवाल पूछा है आपसे। इतना ऐसा सवाल किया तुमने कासिम, आपको मैं आंसू आ गया। नहीं पहले तो कासिम नहीं है, काशिफ नाम है। अब मेरी जबान ऐसी है, मैं क्या करूँ, बहुत रुलाने वाला सवाल किया। किसी घर में कोई मरीज हो बेचारा सो रहा हो, दवा खा के लेटा हो, हमें एहसास ही नहीं है, साइलेंसर निकाल के। अबे तो ठेका लिया हुआ है हमने, क्या क्या मतलब है ठेका लिया हुआ? ठेका लिया हुआ पूरे पाकिस्तान का, मरीज सो रहा है कितने का घर में सोने को, अस्पताल में जाके लेटे। जश्न तो आप ऐसे मना रहे हैं अपने मुल्क का, अरे भाई जशन अपने घर में क्यों, दरवाजा बंद करके लेटे सुकून से भाई, हम तो पार्टी करेंगे। तो पाकिस्तान से इसलिए आजाद थोड़ी हुआ था कि आप सब बस जशन मनाते फिरे और ये बाजा बजाते फिरे और ऐसे डांस करते फिरे। जीवे पाकिस्तान है सी जमीन और आसमान। भाई अगर उसकी तबीयत खराब है अस्पताल में जाके लेटे ना, पब्लिक पार्टी करो तो आप तो अस्पतालों के बाहर से भी पूरा साइलेंसर निकाल कर भर भर करते हुए जा रहे होते हैं, बाजा बजाते हुए जा रहे होते हैं, आपको किसी की फिक्र ही नहीं है? भाई फिक्र तो किसी को भी किसी की नहीं है, तो इसका मतलब है आप भी छोड़ दिया? हमें तो कभी भी किसी की फिक्र नहीं थी भाई, हम तो बस फुल आजाद, पाकिस्तान भी आजाद हम भी आजाद। मेरा ख्याल है आपके अब जाने का वक्त आ गया। क्या टाइम क्या हो रहा है? अब आपके घर जाने का टाइम हो रही है, इससे ज्यादा और मुझे वो गुटखा दिलाओगे तुम
तुम्हारी फजूल बातों के चक्कर में गुटका निमट गया। मुझे अंदर जाने का शौक नहीं है। गुटके वाले को फौरन पकड़ लिया जाता है। किसने कहा? अंदर जाने का शौक नहीं है। किसने कहा? बिल्कुल शौक नहीं है मुझे। जो पकड़ते हैं उनको भी थोड़ा सा हम खिला देते हैं। खिलाने से बात बन जाती है। अलहडी ऐसी कायदे आजम जिंदाबाद नहीं है। कायदे आजम बाद में जिंदाबाद होता है, पहले गुटका। चले जी इजाजत देते हैं, हम इजाजत ले लें। ले ले भाई, ले ले आप ही ले ले। आपको वापस छोड़ने भी जाना। जल्दी यार प्लीज। हाँ यार वो पार्टी निमट जाएगी, दोस्त लोग इंतजार कर रहे होंगे, पता नहीं वो रोल वोल खा रहे होंगे साले। चलिए जी इजाजत देते हैं आप लोगों से। हम मैंने बड़ी कोशिश की इनको समझाने की, ये तो आपके सामने ही सूरत हाल जो है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।